हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल द वेब। होने वाला है कि आज के दिन हमको बहुत सारे काम करने हैं, नहा धो के पूजा पाठ करके वगैरह हमको जाना है बाहर। एक छोटा सा काम है, ये जो काम है ना ये बैंक से रिलेटेड है, तो उसका हमको फटाफट लपटाना है। उसके बाद एक माजी है उनके घर भी जाना है, तो शाम को म्यूजिक प्रोडक्शन के पास जाना है। कुछ काम है इसलिए अपन को म्यूजिक प्रोडक्शन के पास भी जाना पड़ेगा, जो कि हमारी वेब सीरीज को पूरा का पूरा डब कर रहे हैं। जो म्यूजिक की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूजिक जो उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे बुलाए हैं उनका। और रात को कॉल आया था तो उन्होंने कहा कि विशाल आपको आना पड़ेगा। टोटल कितने एपिसोड होने वाले हैं इसकी मैं कुछ भी जानकारी मैं अभी आप लोग को नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रोडक्शन के ऊपर है। इतना याद रखो कि इट्स अ हॉरर वेब सीरीज जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स भी हैं। लगभग 3 साल से मेहनत चल रही है इस एक वेब सीरीज के ऊपर। तो अभी हम देख रहे हैं न्यूज चैनल, दाऊ महाराज इधर से उधर भगने का काम कर रहे हैं। सुबह उठते ही ये भाई सब भगना शुरू हो जाते हैं। वहाँ हड़कंप मच गया, कई लोग वहाँ इकट्ठा हो, पानी के तेज भाग को देखते हुए ऐसा लगा कि वो गाड़ी भाई उत्तराखंड देहरादून की न्यूज आ रही है। देहरादून से जितने भी लोग ब्लॉग को देख रहे हो नीचे कमेंट करो भाई, भगवान सबकी सुरक्षा करे यार, और क्या ही बोल सकते हैं। चलिए तो अगर मैं वेदर की बात करूं हमारे यहाँ के, तो हमारे यहाँ का वेदर बहुत ही ज्यादा क्लीन है बॉस, इतना ज्यादा क्लीन है ना मैं आपको क्या बताऊं, आपको बिल्कुल भी ऐसे आसार नहीं दिखेंगे। क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं है कि बारिश ज्यादा आने वाली, ऐसा भी नहीं है कि धूप बहुत ही तेज आने वाला है। अच्छा जामुन दिख रहे हैं क्या आप लोगों को, जामुन दिख रहे हैं क्या? ये जामुन का झाड़ है भाई, बहुत सारे जामुन इसमें होते हैं, इस वाले में शायद नहीं है अभी। तो ये देखो नीम का झाड़ है भाई। सो लेट्स गो फॉर द वर्क। जी हाँ, पापा का काम करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से जाएंगे भाई बैंक की तरफ। और ये देखो भाई, ये पापा ने पता नहीं पापा का पिटारा है, ठीक है, जो की पापा ने हमको दिया है। फॉर्म फिलअप करके रात को फॉर्म वॉर्म वगैरह फिलअप कर रहा था। इस पिटारे को छोड़ते हैं क्योंकि इसके बाद हमें फिर म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाना है, क्योंकि डबिंग का काम है भाई और उस काम को अपन रोक नहीं सकते, उस काम को करना। कार्टून चल रहा है भाई बच्चों का, बचपन याद आ जाता है बच्चों को खिलाते खिलाते। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। पापा निकल रहे हैं अभी बाहर और अभी हम निकल रहे हैं। मैंने जैसा कि आप सभी लोगों को बोला था कि 2-3 घंटे में हमको वापस जाना पड़ेगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल तो एक क्लाइंट के यहाँ पे जजमान के यहाँ, और ना पापा बोले क्लाइंट क्या बोलता है, इंग्लिश में क्या बोलता है, हिंदी में बोला ऐसा बोल रहा हूँ, जजमान के यहाँ पे जा रहे हैं। थोड़ा सा बैठेंगे वहाँ पे और उसके बाद फिर वहाँ से हम जाएंगे दीपिका दी को लेने के लिए। भाई दीपिका दी को सुबह सुबह स्कूल छोड़ के आए, वो टीचर है ना स्कूल में पढ़ाती है, वो अभी स्कूल गई, उनको लेने के लिए भी मेरे को जाना पड़ेगा। पापा भी सीट पोछने का काम कर रहे हैं, देख रहे हो। बस पापा वो तो बारिश तो आ ही रही है, देखो थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। आज सुबह ही मैं बात कर रहा था कि बारिश उतनी ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन आ गई भाई, क्या कर सकते हैं। अब इंद्रदेव पे किसी का राज थोड़ी चलता है, इंद्रदेव तो अपने हिसाब से चलेंगे ना। तो भाई जहाँ पर हमें जाना था वहाँ से आ चुके हैं, और अभी पापा जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, उस तरफ हमारा घर है, तो पापा अभी वहाँ पर जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ दीपिका दीदी को लेने के लिए। उनका भी कॉल आ रहा है, दीदी को ना ज्यादा लेट नहीं करा सकते, क्योंकि अगर उसको ज्यादा लेट कराए ना तो भाई साहब एटम बम से भी खतरनाक बम के गोले फेंकती है वो, और इतने कटु शब्द बोलती है ना इधर से, सुनने के बाद आप इधर रख नहीं सकते हो भाई। फटाफट निकलते हैं, उनको लेके आते हैं, ठीक है। चलो भैया पानी भी गिर रहा है यार, खतरनाक। चलो देखते हैं हमारे लिए चाय बनी है कि नहीं बनी है। मम्मी दे रहे हो वहाँ चाय, ये क्या, ये तो दूध दे रहे हो आप मेरे को, कहाँ चाय। अच्छा ये बन रही है, ओके तो हमारे लिए चाय बन रही है। और ये छोटे उस्ताद क्या कर रहे हैं, मामू तो आज बहुत सोए हैं भाई, आज मामू बहुत सोए हैं। देख रहे हो कितने बजे हैं अभी, तो अभी शाम के 7:30 है और 4 बजे से मैं लगभग सो रहा था। चीकी। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको नींद बहुत ही ज्यादा खतरनाक आना शुरू हो जाती है, अभी मैं आंखों में नींद भरी हुई है। 3 बार उठाने के लिए आई थी मम्मी, लेकिन मेरी नींद ऐसी ना भाई कि अगर कोई भी उठाने आ जाए मैं उठता भी नहीं। जिग्नेश भी इस चीज से परेशान है, मैं एक बार जब सोना चला गया और मेरा मन नहीं है उठने का, मैं उठूंगा ही नहीं, उठ भी जाऊंगा तो मैं बैठ सा खड़ा नहीं होऊंगा। आदत है पता नहीं अब अच्छी आदत है कि बुरी आदत, लेकिन है हाँ। लेकिन अगर मेरे को कमिटमेंट आ गया कि इस टाइम पे मेरे को काम है तो फिर मैं उठ जाता हूँ, काम नहीं होता तो फिर उठ के क्या करो यार, फिर तो सोने में मजा। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि मुझे आज जाना पड़ेगा म्यूजिक प्रोडक्शन के पास, क्योंकि वहां पर जाके अपन को डबिंग का काम लपटाने का है। अनफॉर्चुनेटली अपन सुबह नहीं जा पाए, शाम के समय जाने का प्लान था बट नहीं जा पाए, तो अभी अपन जा रहे हैं लगभग रात को 10 बजे या 10:30 बजे लगभग मैं जा रहा हूँ डबिंग करने के लिए, क्योंकि आज के आज काम को खत्म करना जरूरी है। कल मुझे एक दोस्त के साथ बाहर जाना है, तो आज मुझे फटाफट काम करना पड़ेगा। अभी मम्मी ने ये दूध ला के दिया है, खाना पीना अपना हो गया, मम्मी यहाँ पर फोन देख, अपन दूध पीते हैं और यहां से तुरंत निकलते हैं।
So guys, shooting this vlog after a long time. जी हाँ, लगभग 3 दिन का गैप लेने के बाद अभी मैं इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ कि 3 दिन में बहुत सारे काम में फंसा हुआ था गाइस. लिटरली जिस वेब सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी आने वाली है उसके बहुत सारे काम है जो लगे पड़े हैं, और ऊपर से बीच में अभी दीपिका दीदी का एक वीडियो भी हम लोग शूट कर रहे थे. अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो दीपिका दीदी के यूट्यूब के चैनल पर चले जाना. दीपिका दीदी आपको सिर्फ सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाके आप उनके वीडियो को देख सकते हो. हम दोनों ने कोलैबोरेट किया है, बहुत ही कमाल का सेइंग यस टू माय सिस्टर चैलेंज हम लोगों ने किया है. आनंद उठाओ उस व्लॉग का, आपको बहुत मजा आएगा. कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने डेली लाइफ में नहीं करता, लेकिन दीपिका दीदी ने मुझे करने पर मजबूर किया है उस व्लॉग के अंदर. आपको डेफिनेटली देखने में मजा आएगा गाइस. चाहे मेरा 9th का एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो, 11वीं का एग्जाम हो, 12वीं का एग्जाम हो, मैं हर एग्जाम में यहीं पर इसी आंगन में चलते चलते पढ़ाई करता था. मेरी पहले से ही आदत है कि मैं बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता, यहाँ पर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता. हाँ, एडिटिंग में बैठ के कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे को घूम घूम के पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा लगता है. चल चल के जब मैं एक्टिव रहता हूँ, जब मेरे पैर एक्टिव रहते हैं, हाथ एक्टिव रहते हैं, तभी मेरा माइंड एक्टिव रहता है. तो मैं ऐसा घूम के पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पूरा कवर करता था, ऐसा पूरा कवर करता था. मुरली मनोहर गायो, मुरली मनोहर गायो. ना ना, मैं पूरी नहीं किया, आधी क्यों, बाकी मम्मी और दीदी की मेहनत तो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, और पापा की मेहनत है कि बच्चों को संभाल के रख रहे हैं, क्योंकि ये जो भी चीज है वो बिल्कुल भी झूठी नहीं होनी चाहिए और शुद्ध पवित्र तरीके से इस झूले को सजाया जाता है. उसके बाद ठाकुर जी को विराजित करके इनको सावन में झूला झुलाया जाता है, और जो भी इसके दर्शन करता है ना, बहुत ही पावन माना जाता है, मनवांछित इच्छा की पूर्ति होती है. भाई आप चाहे किसी से भी पूछ लो, लेकिन एक चीज आपको हर कोई कहेगा, हर कोई, कि ठाकुर की जो भक्ति ना वो बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है. जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए होते हैं उन्हें उन्हीं को ही ठाकुर की भक्ति मिलती है. आंडू पांडू लोगों को ठाकुर की भक्ति नहीं मिलती, और ये भाई सच है, ये तो सच है. ठाकुर जी से जिसने भी लगा दिया, ठाकुर जी इन द सेंस भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी कहते हैं, अगर उनसे लगा लिया, सेवा किया तब ठाकुर जी मिला. क्या बात, 5 वर्ष से पप्पा ने गौर सेवा की है तब जाके ठाकुर जी मिले, ठाकुर जी की भक्ति मिली है, अपरंपार है भाई उनकी लीला. ठीक है, चलो भाई अभी झूला वूला सजाने का काम चल रहा है. जैसे ठाकुर जी को विराजित करेंगे और झूला होगा वो भी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा. तो इस व्लॉग को लाइक जरूर करना, जितने भी लोग हो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हो, मानते हो, लाइक जरूर करना और शेयर करना व्लॉग को. ठीक है, चलो.